मम्मी के कहने पर आलू के चिप्स बनाई थी। उन्हें बनाते बनाते हम तीनों धूप में काले पड़ गई। और आज तो मम्मी ने कहा है कि होली के लिए चावल और साबूदाने के पापड़ बनाने हैं, तो मैंने कह दिया पिछली बार हम लोग धूप में काले पड़ गए थे, इस बार नहीं करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि मम्मी के आगे कोई नहीं बोल सकता। खैर, सबसे पहले रीना जल्दी से चावल का माड़ बना लाई। अब मैं और रीना जैसे ही पापड़ बनाने में लगे, इसे देखो खाने को चाहिए। खैर, फिर जल्दी से चावल के सारे पापड़ बनाकर सूखने के लिए डाल दिए। अब इसके बाद रीना साबूदाने का घोल बना लाई। फिर अपने अपने होशियारी से साबूदाने के मस्त मस्त पापड़ बनाए। अब अगले दिन सिखा तसले में गोबर लेकर आई, क्योंकि इस गोबर की होली की आग में डालने वाली गुलेरी बनानी है। वैसे आप लोगों ने क्या कहते हो कमेंट बताना। चलो ये सब तो हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी व्लॉग्स में क्वालिटी थोड़ी कम आती है, इसलिए अन्नदाता के चरणों वगैरह के मैंने पैसे लिए और लल्लू और नीरज भाई के साथ मार्केट आ गया और यहाँ से ये बड़ी वाली रिंग लाइट ले ली। अब मैं बाहर जाऊँ और साथ में ये दोनों हो तो जेब का गला घोटा छोटी सी बात है। इसके बाद सिग्नल पर धोखाधड़ी करके घर पहुंचते रिंग लाइट के परीक्षण में लग गए। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। वैसे व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।